नमस्कार, मैं हूं निशा। आज है 16 अगस्त। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आजादी के अमृत महोत्सव पर इन जगहों पर निकला अनोखा तिरंगा यात्रा। गांधी मैदान में निकली 9 झांकियां, कृषि विभाग को मिला पहला पुरस्कार। अब राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में मिलेगा सस्ता भोजन। सीएम बोले, जनसंख्या नियंत्रण कानून बेकार, 20 लाख युवाओं को देंगे नौकरी। सुशील मोदी ने किया तेजस्वी पर जुबानी हमला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आजादी के अमृत महोत्सव पर इन जगहों पर निकाला गया अनोखा तिरंगा यात्रा। भारत ने इस वर्ष अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर लिए। भारत ने आजादी की 75वीं सालगिरह पर आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया। सभी धर्म के लोगों ने अपने घरों और दफ्तरों पर तिरंगा लगाकर एकता का मिसाल पेश किया। पूरे भारत को तिरंगे की छवि में बदल दिया गया। इस दौरान बिहार में भी जगह जगह से बेहतरीन तस्वीरें सामने आई, जिसने सबका दिल जीत लिया। उन्हीं में से एक भागलपुर में अमृत महोत्सव तिरंगा यात्रा के तहत झांकी में भारत माता अंग जनपदीय धरोहर की लोक गाथा बहुला विषधारी छठ पर अजेवीनाथ धाम की कावड़ यात्रा मंजूषा कला के अलावा कई स्वतंत्र सेनानियों की झांकियों के साथ साथ अनेक आकर्षक झांकियां देखने को मिली। वहीं कटिहार के महाकाल सेना के द्वारा 170 मीटर का तिरंगा यात्रा निकाला गया। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे प्रभाकर शरण की। प्रभाकर शरण का जन्म 22 फरवरी 1980 को बिहार के मोतिहारी जिले में हुआ था। स्पेनिश भाषा के साथ साथ उनके संघर्ष, उनके दिन रात की कड़ी मेहनत और भारत और भारतीय संस्कृति के लिए उनके प्यार ने उन्हें मध्य अमेरिका और भारत को बढ़ावा देने के लिए बॉलीवुड फिल्मों और सामाजिक गतिविधियों को पेश करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लाइव शो को भी निष्पादित किया। एक अभिनेता बनने के लिए उनके सपने ने उन्हें संघर्ष, अस्तित्व और सफलता की यात्रा दी, जो न केवल कोस्टा रिका बल्कि भारत के लिए भी एक प्रेरणा बन गई। वो लैटिन अमेरिकी फिल्म में दिखाई देने वाले पहले भारतीय अभिनेता हैं। पश्चिम में आरा और पूरब में बख्तियारपुर तक होगा गंगा पथ का विस्तार। बीते दिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में झंडोत्तोलन किया और बिहार वासियों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने बताया कि कहीं से भी अधिकतम 5 घंटे में पटना पहुंचने की योजना पर सरकार काम कर रही है। इसी के तहत जेपी गंगा पथ योजना का शुभारम्भ किया गया है। गंगा पथ का भी विस्तारण किया जाएगा। इस पथ को पश्चिमी में दानापुर के आगे आरा तक ले जाया जाएगा और पूरब में इस पथ को दीदारगंज से आगे बख्तियारपुर तक ले जाया जाएगा। सीएम ने कहा कि पहले पटना पहुंचने में लगभग 6 घंटे का लक्ष्य रखा गया था, इसे 5 घंटे करने के लिए सरकार काम कर रही है। गुरु तेग बहादुर अस्पताल ने कुल इतने पदों पर निकाली भर्तियां। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में विभिन्न डिसिप्लिन सीनियर रेसिडेंट के तहत कुल मिलाकर 38 रिक्त पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को संबंधित डिसिप्लिन में पीजी डिग्री, डिप्लोमा, डीएनबी इक्विवेलेंट डिग्री पास होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों से जुड़ी समस्त जानकारी के लिए आवेदन करने के लिए इस वीडियो के पेज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर के क्लिक कर सकते हैं। इन पद पर नियुक्त करने के लिए इंटरव्यू की तारीख 26 अगस्त 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.healthdelhigovernment.nic.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं। गांधी मैदान में निकाली गई 9 झांकियां, कृषि विभाग को मिला पहला पुरस्कार। कल पटना में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद गांधी मैदान में 9 विभागों की झांकियां निकाली गई। झांकियों में कृषि विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला, अग्निशामक विभाग को दूसरा स्थान मिला तो वहीं शिक्षा परियोजना की झांकी को तीसरा स्थान मिला। इसके अलावा मध्य निषेध विभाग, जीविका उद्योग विभाग, पर्यटन विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और भवन निर्माण विभाग की झांकी भी निकाली गई। सीआरपीएफ को बेस्ट परेड के लिए पहला स्थान मिला।
यूपीएससी और बीपीएससी परीक्षा पास करने वाली महिला अभ्यर्थियों के लिए बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाली महिला अभ्यर्थियों के लिए बड़ी घोषणा की है। नीतीश कुमार ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली महिला अभ्यर्थियों को 1,00,000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसी तरह बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली महिला अभ्यर्थियों को 50,000 दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से महिला अभ्यर्थियों को बड़ी आर्थिक मदद मिल सकेगी। महागठबंधन सरकार में कैबिनेट का विस्तार और दिन समय तय हो गया है। नीतीश कुमार की अगुवाई में सत्ता में आए महागठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का दिन और समय तय कर दिया गया है। नीतीश सरकार कैबिनेट का विस्तार 16 अगस्त किया जाएगा। बिहार में आए नए कैबिनेट पर लगभग सभी की निगाहें टिकी हुई है। विधानसभा अध्यक्ष का पद आरजेडी के खाते में जा सकता है। राजद नेता अवध बिहारी चौधरी बिहार के नए स्पीकर हो सकते हैं। अब राज्य में सभी मेडिकल कॉलेज में मिलेगा सस्ता भोजन। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में अब सस्ता भोजन मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर के बाद 3 माह में सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में दीदी की रसोई खुलेगी। अगले 3 माह में सभी मेडिकल कॉलेजों में दीदी की रसोई का संचालन शुरू किया जाएगा। बता दें कि दीदी की रसोई के संचालन को लेकर के बिजनेस प्लान को तैयार कर दिया गया है। अलग अलग मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मानव संसाधन की आवश्यकता, पूंजी का निवेश इत्यादि का आकलन करने के बाद इसे क्रियान्वित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश पर राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में इसके विस्तारित किए जाने को लेकर के तैयारी की जा रही है। दीदी की रसोई के माध्यम से मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मरीज और उनके परिजन तथा अस्पताल कर्मियों को भोजन की सुविधा दी जाएगी। निजी संस्थानों को बिल्डिंग बनाना हुआ महंगा। बिहार में निजी संस्थानों को बिल्डिंग बनाना महंगा हो जाएगा। राज्य में बन रहे निजी प्रतिष्ठानों में 1% की सेस वसूली की जाएगी। खास करके वैसे निर्माण जिस पर 10,00,000 से अधिक खर्च हो रहा है उन्हें 1% सेस दिया जाएगा। यानी कि 10,00,000 से अधिक का निर्माण पर 10,000 सेस देना होगा। अभी निजी प्रतिष्ठानों में सेस वसूली की रफ्तार धीमी है। इसमें तेजी लाने के लिए श्रम संसाधन विभाग ने धावा दल का गठन किया है। विभागीय नियमानुसार 10,00,000 से अधिक निर्माण करने का 1% सेस दिया जाना आवश्यक है। भाजपा एमएलसी ने नीतीश कुमार से कर दी बड़ी मांग। कल गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने ये घोषणा की थी कि बिहार में अब युवा पीढ़ी आगे लेकर जाएगी। उनका इशारा तेजस्वी यादव की तरफ था। वहीं नीतीश कुमार की इस घोषणा के बाद भाजपा ने हमला शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो पूरी दुनिया के साथ साथ अपना सब कुछ शेयर कर सकते हैं, लेकिन जब बात पावर की आएगी तो वो शेयर नहीं करेंगे। नवल किशोर यादव ने कहा कि आज जब नीतीश कुमार ने ये घोषणा की थी कि अब हमारी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव संभालेंगे, तो हमारी ये मांग है कि लगे हाथ मुख्यमंत्री जी ट्रांसफर पोस्टिंग वाला विभाग भी उन्हें सौंप दें। सीएम बोले जनसंख्या नियंत्रण कानून बेकार, 20,00,000 युवाओं को देंगे नौकरी। कल महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने पहली बार तिरंगे को सलामी दी। मौके पर उन्होंने सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। आगे की योजना पर बात कर उन्होंने इस मौके पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तारीफ की। 10,00,000 क्या, 20,00,000 रोजगार दिए जाएंगे। नीतीश कुमार के बयान के बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि अभिभावक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान से ऐतिहासिक ऐलान किया। 10,00,000 नौकरियों के बाद 10,00,000 अतिरिक्त नौकरियां दूसरी अन्य व्यवस्थाओं में दी जाएगी। जज्बा है बिहारी जुनून है, बिहार उत्तम, बिहार का सपना करना है साकार। आनंद मोहन मामले में बोले गिरिराज सिंह, आ गया जंगल राज। राजद के बाहुबली नेता सह पूर्व सांसद आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम हत्याकांड के दोषी हैं। सहरसा के जेल में बंद आनंद मोहन की पेशी विगत 12 अगस्त को हुई थी।
पुलिस अभिरक्षा में पेशी होने के बाद आनंद मोहल जेल से लौटने की जगह पटना स्थित अपने आवास पर पहुंच गए। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई, इस मामले ने तुल पकड़ लिया, जिसके बाद सहरसा की एसपी लिपि सिंह ने इस मामले में फौरन कार्रवाई की और आनंद मोहन के साथ गए सभी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आनंद मोहन के इस विवाद पर भाजपा के फायर ब्रांड नेता सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एंट्री ली है। गिरिराज सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आनंद मोहन की तस्वीर को पोस्ट किया और लिखा कि डीएम हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे राजद नेता आनंद मोहन का जेल की जगह अपने घर पहुंच जाना जंगल राज की ताकत है। वैशाली संग्रहालय में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। वैशाली संग्रहालय में खुदाई के दौरान पाई जाने वाली पुरावशेषों को प्रदर्शित किया जाता है। इसे 1971 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्थापित किया गया था, जहां कई शानदार मुकुट, हार, गहने इत्यादि को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ की भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की बिना सिर की मूर्ति लगी हुई है। इन सामानों के अलावा इस संग्रहालय में गांव के लोगों के द्वारा आजादी से पूर्व का सामान भी दिया गया है, जिसे प्रदर्शित करने के लिए रखा गया है। यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति, उमा शंकर की मूर्ति आदि भी रखा गया है। इस संग्रहालय में मध्यकालीन युग का काफी सामान रखा हुआ है। रेलवे खानपान और पर्यटन निगम ने निकाली वैकेंसी। रेलवे खानपान और पर्यटन निगम के द्वारा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 65 पदों पर भर्तियां निकाली गई है। इन भर्ती के लिए सूचना आधिकारिक वेबसाइट www.irctc.com पर जारी किया गया है। जो भी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वो आधिकारिक नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें और अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। इंडो नेपाल सीमा पर एसएसबी ने मनाया आजादी का जश्न। कल आजादी के 75वें वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा फहराया गया। इस मौके पर जश्न आजादी का उत्साह का माहौल देखने को मिला। इंडो नेपाल स्थित गंडक बराज पर एसएसबी 21वीं बटालियन के द्वारा ध्वजारोहण किया गया और इसके ठीक बाद आजादी का जश्न मना रहे एसएसबी के जवानों ने नेपाल के एफईएफ जवानों को मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया और इस तरह आजादी की खुशियां मनाई गई। बता दें कि गंडक बराज पर कुल 36 फाटक हैं, जिसमें 18 भारत और 18 नेपाल के क्षेत्र में पड़ते हैं। लिहाजा बराज के फाटक संख्या 18 पर दोनों देशों के जवान अपने अपने झंडा के साथ मिले और फिर स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। राज्य में सूखे के बीच मौसम विभाग का सुखद पूर्वानुमान। पिछले 21 दिनों में कमजोर पड़ी मॉनसून के बीच मौसम विभाग ने सुखद पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें कहा गया कि आज यानी 16 अगस्त को सूबे के 14 जिलों में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की आंधी और पानी की उम्मीद जताई गई है। पटना समेत भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा के इलाकों में बारिश की प्रबल संभावना है। अगर बीते दिन की बात करें तो 15 अगस्त को सुबह से ही पटना सहित कई जिलों में हल्की सी मध्यम बारिश दर्ज की गई, साथ ही हवाओं की गति में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दर्ज किया गया। स्वतंत्रता दिवस के दिन बेऊर जेल में अच्छे विचार वाले कैदी की हुई रिहाई। राजधानी पटना स्थित बेऊर जेल में स्वतंत्रता दिवस के समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जेल में बंद एक सजा याफ्ता कैदी को रिहा किया गया। जेल प्रशासन ने उस कैदी को रिहा करने के साथ साथ यहां पर मौजूद 30 कर्मियों को पसरित पत्र देकर सम्मानित किया है। इस दौरान जेल अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि पटना के बेऊर जेल में वर्ष 2021 से सजा काट रहे कैदी राम इकबाल ठाकुर को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दिन रिहा कर दिया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा अच्छे आचरण और कुशल व्यवहार वाले कैदी को छोड़ने का निर्देश जारी किया गया था। इसी को देखते हुए 6 जनवरी 2021 से गैर इरादतन हत्या के जुर्म में बेऊर जेल में बंद राम इकबाल ठाकुर को रिहा किया गया। सुशील मोदी ने फिर किया तेजस्वी यादव पर जुबानी हमला। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार की राजनीति में रोजगार और सरकारी नौकरी को लेकर के मुद्दा छाया हुआ है।
तेजस्वी यादव ने चुनाव के समय 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था। उसी को लेकर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी लगातार हमलावर हैं। सुशील मोदी ने इसको लेकर के सोमवार को ट्वीट किया और आरजेडी पर निशाना साधा है। सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी ने संसदीय चुनाव के पहले 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार रेलवे, सड़क, हवाई अड्डा, बंदरगाह जैसे ढांचागत निर्माण करके लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके हर साल 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार भी दे रहा है। हमने सरकारी नौकरी नहीं रोजगार का वादा किया था जिसे हम पूरा कर रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि जिन्होंने बिहार में महागठबंधन सरकार बनने से पहले अपने पहली कलम से ही 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था वो अपने पहली कैबिनेट के बाद मुंह चुरा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आरजेडी सांसद ने कर दी भविष्यवाणी। आज यानी मंगलवार को नई कैबिनेट का गठन होना है। इन सब के बीच राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ी बात कही है। मनोज झा ने ये दावा करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 2 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। हालांकि मनोज झा ने ये भी कहा कि कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता है कि क्या होगा, लेकिन अभी के लिए ये चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। उन्होंने बीजेपी पर क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करना और राजनीति करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने कहा जनसंख्या पर प्रतिबंध जरूरी नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन गांधी मैदान में झंडोत्तोलन के बाद कॉमनवेल्थ गेम के पदवीरों को बधाई दी है, साथ ही साथ देश के वीरों को नमन किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को संबोधित करते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के बिहार के प्रजनन दर 2.9% है, इसलिए यहां जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत नहीं है। असली चीज है लोगों को पढ़ाएं और इससे जागरूकता आएगी। बालिका शिक्षा बढ़ेगी तो जनसंख्या खुद पर खुद घट जाएगी। इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। रघुनाथपुर स्टेशन का नाम बदलने पर विरोध शुरू। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के दानापुर रेल मंडल पर रघुनाथपुर स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव रेलवे को भेजा। रेलवे ने नीतीश कुमार के इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए प्रमाण पत्र दे दिया है। इसको लेकर के अब स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस रेलवे स्टेशन का नाम भगवान राम के नाम से जुड़ा हुआ है और इसे नहीं बदला जाना चाहिए। सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले के विरोध में रघुनाथपुर के ग्रामीणों ने एक ग्राम रक्षा समिति का गठन किया। इस कमेटी ने सरकार के इस फैसले के बाद बैठक की जहां ग्रामीणों ने सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है और साथ ही ये भी ऐलान किया कि 17 अगस्त को धरना दिया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व के साथ बिहार भाजपा कोर कमेटी की बैठक आज। बिहार में आज महागठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। वहीं दिल्ली में बिहार विधानसभा और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भाजपा का मंथन होगा। इसको लेकर के मंगलवार के दिन 4:30 बजे दिल्ली में भाजपा की कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। इसमें बिहार भाजपा की कोर कमेटी के सभी 20 सदस्य शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार इस बैठक में बिहार विधानसभा और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव पर चर्चा होगी। वहीं संगठन में बदलाव को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। नई दिल्ली में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 2010 में एआर रहमान के रचे थीम गीत को स्वीकृति मिली। कवित्री कहानीकार सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में हुआ था। दूसरी लोकसभा की सदस्य टी गणपति का जन्म 1918 को हुआ था। भारतीय फिल्म अभिनेता सैफ अली खान का जन्म 1970 को हुआ था। हिंदी फिल्मों की मशहूर हीरोइन और यूएन की पॉपुलेशन फंड एंड गुडविल अम्बेसडर मनीषा कोयराला का जन्म 1970 को हुआ था। महान संत एवं विचारक रामकृष्ण परमहंस देव का निधन 1986 को हुआ था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न के सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 2018 को हुआ था और आज ही के दिन पौंडीचेरी विलय दिवस भी मनाया जाता है। हरारे में टीम इंडिया का पहला प्रैक्टिस सेशन आज। वेस्टइंडीज के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज जीतने के बाद अब टीम इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए तैयार है। 18 अगस्त से सीरीज की शुरुआत हो रही है। तीनों मुकाबले हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे। केएल राहुल की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने अपने पहले प्रैक्टिस सेशन में भाग लिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में स्टार तेज गेंदबाज
दीपक चहर, मोहम्मद सिराज के अलावा युवा बल्लेबाज शुभमन और ऋतुराज गायकवाड़ नजर आ रहे हैं। ऐसे खाली करें अपना जीमेल स्टोरेज। यदि आप भी लंबे समय से जीमेल का उपयोग कर रहे हैं और अनावश्यक मेल को डिलीट नहीं करते हैं तो ये क्लाउड स्टोरेज को फुल कर देता है। यदि आप भी जीमेल पर स्टोरेज खाली करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जीमेल के ऐप को ओपन करके प्रोफाइल आइकॉन पर टैप करना है। इसके बाद आपको क्लाउड और स्टोरेज की स्पेस की डिटेल दिखाई देगी। आप क्लाउड आइकॉन पर क्लिक करके गूगल सर्विस द्वारा इस्तेमाल होने वाली स्टोरेज स्पेस को क्लीन करने के लिए आपको क्लीनअप स्पेस पर टैप करना है। इसके बाद आपको स्टोरेज मैनेजर टूल्स का इस्तेमाल कर आप एक टैप करके सभी लार्ज आइटम को देखकर डिलीट भी कर सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप सभी लोगों ने जवाब दिया। जिन्होंने हमें अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं: सिद्धार्थ कुमार, दयाराम यादव, एस निशा, राजकुमार प्रसाद, रविशंकर, कुश कुमार यादव, रंजीत सिंह, नुनू कुमार, रामनवमी मांझी, बबीता यादव, अजय कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज की सवाल की ओर। आज का सवाल है, नई गठबंधन की सरकार में आप बिहार के विकास को कहां तक आंकते हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बहरहाल तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बिहारी खबर को सब्सक्राइब करिएगा।